हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। चलिए बनाते हैं कटहल की सब्जी। कटहल और आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है, गरम मसाला पीस लिया है, घी, दही, जीरा पाउडर, मगज पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पेस्ट, पाँच फोरन, तेज पत्ता, प्याज, यहाँ लाल मिर्च पाउडर, मिर्च, तेल डाल दिया। गरम हो गया है पांच पुरन। प्याज डाल देंगे अभी, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट, मगज पेस्ट डाल देंगे। कर लेंगे, एक मिनट तक फ्राई करेंगे इसको। हल्दी पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। धनिया पेस्ट, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, एक मिनट तक पकाएंगे इसको। दही एक चम्मच, इसे ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो खट्टा हो जाएगा ये। लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। तेज पत्ता, अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए हो गया है, लगभग 2 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। चीनी डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। कटहल और आलू को भी डाल दिया। अब इसको लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका अच्छा कलर नहीं आ जाता है। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। अब नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। फ्राई करेंगे इसको। फ्राई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। देखिए ये फ्राई हो चुका है लगभग। अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे। देखिए हो गया है फ्राई, पानी डाल देंगे। ज्यादा पानी मत डालिएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला, घी डाल देंगे। अब हो गया है, ये बनके तैयार हो चुका है। आप भी झटपट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।